नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मिसेस परवीन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के सत्र में हमारी इस चर्चा का विषय रहेगा श्रवण और वाचन के विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अर्थात हमने बालकों के जो कौशल हैं श्रवण और वाचन, उनका विकास करना है तो उनके विकास के लिए कौन कौन सी ऐसी सहगामी क्रियाएं हैं कि जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के साथ साथ कक्षा कक्ष में आयोजित की जाएं, जिससे बच्चों का सुनना और बोलना ये दोनों कौशल विकसित हों। क्योंकि अब तक आप जान गए होंगे कि किसी भी भाषा पर आधिपत्य के लिए, उसको सीखने के लिए, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रवण वाचन पठन और लेखन चारों कौशल की आवश्यकता है। और ना ही हम ये कह सकते कि कौन सा कौशल दूसरे से महत्वपूर्ण है, चारों ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमें इनको क्रम देना है। पहले हमें सबसे अच्छा श्रोता बनना है। श्रवण और वाचन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन याद रहे, आप इसको ध्यान रखें, वही अच्छा वक्ता बनेगा जो कुशल श्रोता होगा। तो पहले तो अध्यापक जो है विद्यार्थियों को धैर्यपूर्वक सुनने की जो कला है, सुनने का कौशल है, वो बालकों में विकसित करें। क्योंकि अक्सर केवल कक्षा कक्ष की बात ना भी करें तो सामान्य जीवन में हम जिसको किसी को भी कोई बात बताने शुरू करते हैं, पूरी बात बताने से पहले ही वो कहने लगता है हाँ हाँ समझ आ गया और वो बोलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब उसके अंदर धैर्यपूर्वक सुनने की कला नहीं है। तो आधा सुना और आधा नहीं तो वाचन भी उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो कक्षा कक्ष की बात करें तो अध्यापक जो है विद्यार्थियों के अंदर इस कौशल को विकसित करें कि बच्चों किस प्रकार धैर्यपूर्वक हमें कुशल श्रोता बनके वक्ता की बात सुननी है। क्योंकि जब जितने ही आप के अंदर सुनने का कौशल होगा उतने ही अच्छे आप वक्ता बनेंगे। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं श्रवण और वाचन, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हम कक्षा कक्ष में आयोजित कर सकते हैं। जैसे भाभी बात की है कि चार बुनियादी कौशल हैं और इनको विकसित करने के लिए कौन सी हम क्रियाएं आयोजित करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, श्रवण और वाचन दोनों ही कौशल घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यद्यपि श्रवण एक पहचान कौशल है और वाचन उत्पादन कौशल है, यानी दोनों का जो स्वरूप है वो अलग है। श्रवण जो है वो पहचानने की क्रिया है और वाचन जो है उत्पादन की। इसको और अच्छे से समझें, पहचान कौशल से क्या अभिप्राय हुआ। जैसे हमने कक्षा कक्ष में या सामान्य जीवन में किसी से हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो जब सुनने वाले ने, श्रोता ने हमारी बात को सुना, समझा, पहचाना और ग्रहण किया उसका अर्थ, तभी वो वाचन के द्वारा, उस कौशल के द्वारा उस बात का उत्पादन करेगा। दोनों कौशल एक दूसरे पर आधारित हैं। इसको जैसे हम छोटे से एक उदाहरण से स्पष्ट करें, मैंने एक बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब उसने ये बात समझकर, अगर वो हिंदी भाषी है, उसको ये समझ आई, बालिका को ये बात, कि सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाली महिला मेरा नाम पूछ रही है, तो उसने सुना और इसको पहचाना और उसने वाचन किया, उसने क्रिया को उत्पादन किया। कौन से कौशल का उत्पादन किया? उसने कहा मेरा नाम प्रगति है। तो इसका मतलब श्रवण जो सुनना था उसने उस कौशल को किसका रूप दिया? पहचान का। और वाचन में उत्पादन हुआ जब उसने कहा मेरा नाम प्रगति है। तो ये सामान्य से उदाहरण से हमने स्पष्ट किया कि दोनों कौशल एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आधारित हैं। इसीलिए बात की थी कि अगर अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता होना आवश्यक है, कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी भाषा पहले अपना अस्तित्व वाचन रूप में रखती है। भाषा को वाचन से ही सीखा जा सकता है। पहले पढ़ा नहीं होगा, पहले उसको सुना होगा। सामान्यतया वार्तालाप, व्याख्यान सुनने, वक्तव्य देने, कमेंट्री देने, समाचार बुलेटिन आदि सुनने में बोली गई भाषा को समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई भी वार्तालाप हो रहा है, कोई भी व्याख्यान हो रहा है, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं नेता का भाषण सुन रहे हैं, कहीं खेल की कमेंट्री चल रही है, कोई समाचार बुलेटिन चल रहा है,
तो वो बात जो भी वार्तालाप है या व्याख्यान है या वक्तव्य है, कमेंट्री है, समाचार है, जो कुछ भी सुन रहे हैं उस भाषा को समझना आवश्यक है। जैसे अभी बात की थी इससे पहले ही कि वाचन उत्पादन क्रिया है और श्रवण क्या है, पहचान क्रिया है। तो उस वार्तालाप में या बुलेटिन या कमेंट्री में जब सुनने वाले ने उसका अर्थ ग्रहण किया तो वो पहचान कौशल बन गया। भाषा का कोई भी कौशल, चाहे श्रवण हो या वाचन, अपने आप नहीं आता। कई बार हम ये त्रुटि करते हैं जब हमसे पूछा जाता है कक्षा कक्ष में, कि विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि बताओ क्या भाषा अपने आप आ जाती है, तो बच्चे ये कह देते हैं कि हिंदी अपने आप आ जाती है। नहीं, बालक को इसका अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी प्रथम भाषा है, तो चारों ओर उसी को हम सुनते हैं, उसी से को बोलते हुए सुनते हैं। जब बच्चा प्रारंभ में माँ की गोद में होता है तो माँ हिंदी में बोल रही है, तो इसलिए वो कौशल जल्दी आ जाता है। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि जब वो माँ की गोद में था, माँ ने तुतला तुतला कर उसको पानी, रोटी और ये सब सारे शब्द बोलने सिखाए थे। बालक ने इसका अभ्यास किया था, माँ ने भी उसकी उसी तोतली जबान में बोल बोल कर उसको सिखाया था। तो भाषा का कोई भी कौशल, श्रवण हो या वाचन, अपने आप नहीं आता, इसको सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। ये ध्यान रहे कि जिस भाषाई प्रदेश में हम रहते हैं तो वो चारों तरफ वही भाषा बोली जाती है। हम जिस माँ की गोद में खेल कर बड़े हुए हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, वो जिस भाषा का प्रयोग करती है, वो चारों ओर वही सुनते हैं, तो वो भाषा जल्दी आ जाती है। उसके लिए अभ्यास कम करना पड़ता है। जैसे इसको उदाहरण दें कि अगर हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, बच्चा माँ की गोद में रोया, तो उसी समय माँ ने कहा कि बालक रो रहा है, बालक को पानी चाहिए, तो वो पानी के साथ धीरे धीरे बड़े होते होते वो समझ जाएगा कि पानी किस पदार्थ को कह रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा जो बच्चा है वो अगर ब्रिटेन में पैदा हुआ है, तो जब बच्चा माँ की गोद में रोया तो माँ ने कहा ओ बेबी इज थर्स्टी, शी नीड्स वाटर, तो उसको जब पानी सामने आया तो वो वाटर से एसोसिएट कर लिया। तो इस उदाहरण से, दोनों भाषा की तुलना से आपको ये बताया कि भाषा कोई भी हो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना ही हम अच्छे वक्ता बनेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदतों का निर्माण करना पड़ता है। बालक को नई आदतें ग्रहण करनी पड़ती हैं, क्योंकि सभी भाषाओं के अलग अलग नियम हैं। ध्यान रहे, कभी भी हमें भाषाई नियमों की तुलना नहीं करनी है। जैसे भगवान ने हर बालक को अलग तरीके से, अलग विभिन्न गुण अवगुण देकर पैदा किया है, हर बच्चा इस प्रकृति की अनुपम देन है, इसी तरह हर भाषा के अपना सौंदर्य है, अपने गुण हैं, हमें तुलना में उसका अध्ययन नहीं करना है। केवल ये बात कर रहे हैं हम कि नई भाषा सीखने के लिए या कोई भी भाषा सीखने के लिए बालक को नई आदतें ग्रहण करनी पड़ती हैं। अब इस आदतों का निर्माण कैसे होगा? जब बालक के सामने सही मॉडल होगा। जैसा मॉडल होगा बच्चे वैसे ही नकल करेंगे। तो मॉडल से यहाँ मतलब है कि जो चारों ओर भाषा बोली जा रही है, और ज़्यादा ये जो बात है ये भूमिका अध्यापक पर निर्भर करती है, क्योंकि अध्यापक जितना अच्छा उच्चारण करेगा, जितना शुद्ध उच्चारण करेगा, उसकी भाषा में जितनी स्पष्टता, सहजता, मधुरता होगी, उतना ही उसी रूप से बालक उस मॉडल की नकल करेंगे, तो बच्चे भी अपनी वाणी में उतना ही औज, इतनी ही मधुरता, स्पष्टता और सहजता लाएंगे, क्योंकि अध्यापक ने बनावटीपन का माहौल करके नहीं सिखाया है, तो बच्चे उसी का अनुकरण करेंगे। श्रवण और वाचन दोनों ही कौशल, अन्य कौशल जैसे तैरना, नृत्य करना, पाक कला आदि हैं। जैसे तैरने के कोई किताब मिल जाए कि तैरा ऐसे जाता है या हवाई जहाज ऐसे उड़ाया जाता है, तो खाली नियम पढ़कर कोई भी व्यक्ति ना तैरना सीखेगा, ना नृत्य करना, ना ही जहाज उड़ाना। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, शारीरिक गति करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमें कोई भाषाई नियम की हम पुस्तक पढ़ लेते हैं, तो खाली पुस्तक पढ़ने से
बिना बोले बिना सुने हमें भाषा पर आधिपत्य नहीं होगा, क्योंकि माना कि जो उसके नियम हैं या जैसे हमने उन शब्दों का कैसे उच्चारण करना है, मात्राओं को कैसे बोलना है, उसका सही उच्चारण सही शुद्ध रूप केवल पढ़ने से नियम पढ़ने से नहीं आएगा। हमारे सामने अध्यापक की जो भूमिका है वो एक मॉडल की भूमिका हो, अध्यापक का उच्चारण एकदम से शुद्ध हो। बालकों में भाषा अधिगम की नींव तैयार करनी है। हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों में श्रवण और वाचन के लिए जो अलग अलग पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो कैसे आयोजित करें, तो ये हमने क्यों आयोजित करनी है, इसका अभिप्राय है, इसका उद्देश्य है कि बालकों में भाषा अधिगम की नींव तैयार करनी है। हमें मालूम है कि अगर हमें एक शक्तिशाली भवन का निर्माण करना है तो उसकी नींव जो है वो उतनी ही सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे ही बालकों को हमें अच्छा वक्ता बनाना है तो उनकी प्रारंभ की जो नींव है वो बहुत सुदृढ़ और सही होनी चाहिए, और ये नींव किसने रखनी है, अध्यापक ने। तो बालकों में अवधारणा विचार और तथ्यों की समझ विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। बालकों के बीच में शाब्दिक अंत्यक्रिया उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य है। शाब्दिक अंतर्क्रिया से यह है कि बच्चों के बीच में दूरी ना हो, उनके बीच में आव भाव और जो क्रियाएं हैं जो अनुभव हैं उसका आदान प्रदान होता रहे, क्योंकि शिक्षण के सूत्र हैं कि अध्यापक और बालकों में दूरी नहीं रहनी चाहिए, घनिष्ठ संबंध हो, सहजता का और मधुरता का माहौल बना रहे। इसी तरह परस्पर सभी बालकों में भी शाब्दिक अंत्यक्रिया या विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा तो उनमें आपस की दूरी समाप्त हो जाएगी और वो समूह के अंदर खेलना पढ़ना सीखना सारी गतिविधियां करना सीख जाएंगे, और इस प्रकार से शैक्षणिक क्रिया का आधार उपलब्ध करवाना जो इसका एक उद्देश्य है वो भी हम पूरा कर सकेंगे। तो ऐसी एक सुदृढ़ नींव डालने के लिए ये जरूरी है कि बच्चों में श्रवण और वाचन की सहगामी क्रियाएं करवाई जाएं। अब जो है कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कैसे बालकों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। पहली है, बालकों में ध्वनि के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों की समझ उत्पन्न करना। जैसे कोई भी हमने ध्वनि की, उस ध्वनि को बच्चों ने सुना और उसके सुनने के बाद उन्होंने उसका अर्थ ग्रहण किया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो श्रवण है वो पहचान कौशल है और वाचन क्या है, वो उत्पादन कौशल है। तो जब कोई ध्वनि वक्ता ने करी और श्रोता ने सुनी तो उस ध्वनि की समझ उसका अर्थ ग्रहण करना अध्यापक ये सिखाएगा। और ध्वनि का कोई अर्थ एवं भाव अवश्य हो, यानी कि श्रवण और वाचन विकसित करने के लिए ये ध्यान रखें कोई भी बेतुकी मतलब ही हीन जो है ध्वनि ऐसी ना हो, उस ध्वनि का कोई अर्थ हो, कोई भाव हो, क्योंकि जब कोई अर्थपूर्ण या भावपूर्ण ध्वनि या शब्द होगा तो उसमें बालकों की रुचि एवं ध्यान बना रहेगा। और ये भी एक शिक्षण का सूत्र है कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसमें बालकों की रुचि एवं ध्यान का रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही जो हम बोल रहे हैं अगर बालकों की उसमें रुचि नहीं है तो उनका ध्यान इधर उधर चला जाएगा और हमारी जो सारी क्रिया है वो उद्देश्यहीन हो जाएगी। क्योंकि हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, अपने लिए नहीं, हम पढ़ा रहे हैं कि जो भी हमारे पास ज्ञान है वो विद्यार्थियों तक बड़े आसान तरीके से पहुंच जाए, उस क्रिया को जटिल नहीं बनाना है, स्वाभाविक और सहज बनाना है, आसान तरीके से स्पष्ट भाव से बच्चों को बताना है। तो बालकों की रुचि एवं ध्यान का भी हमें पूरा इसको रखें मन में। फिर जो ध्वनि है, इन ये सब सीखने के, श्रवण सीखने के कुछ सिद्धांत हैं, कैसे ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सकने वाली और सही उच्चारण सहित हो। यानी पहली तो हमने बात की थी कि ध्वनि का कोई अर्थ हो, अब ये ध्वनि जो है स्पष्ट हो, ऐसा ना हो कि बच्चों ने ढंग से ना सुनी हो, उसमें कोई शोर आ रहा हो साथ में, और सभी बच्चों को सुनी भी जा सकने वाली हो, ऐसा ना हो कि पीछे वाले बच्चों को नहीं सुन रही हो। फिर
उस ध्वनि का उच्चारण एकदम सही हो, क्योंकि अभी आपसे बात की थी कि सही मॉडल का होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा उच्चारण अध्यापक करेगा विद्यार्थी वैसा ही उच्चारण करेंगे। अध्यापक एवं बालक दोनों ही इस क्रिया के लिए तैयार हों, यानी क्यों, कैसे, द्विक्रिया है, दोनों का ही इसमें तैयार होना जरूरी है। धारण शक्ति के लिए दोहराना आवश्यक है। कई बार क्या होता है, एक बार बात बताई और आगे चल पड़े, तो क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो जो बच्चे बहुत तेज बुद्धि के हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, वो तो उसको धारण कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं उनमें धारण शक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने दोहराया नहीं था। श्रवण कौशल के अलग अलग स्तर पर विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जा सके। अंत में यह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह किस स्थिति में किस स्तर के बालक के लिए कौन सी क्रिया आयोजित करता है। देखिए, अध्यापक ने देखना है कि मैं किस समूह को संबोधित कर रहा हूँ, वहाँ जो बैठे हुए बालक हैं उनका आयु का क्या स्तर है, मानसिक स्तर क्या है, वो कौन सी भाषा को किस स्तर तक समझते हैं, क्योंकि अगर हमने उपयुक्त क्रिया उपयुक्त स्तर के बालकों के लिए हमने प्रयोग नहीं की तो हमारा प्रयोजन उतना सफल नहीं हो पाएगा, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो अध्यापक की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कौन सी क्रिया का आयोजन कर रहा है और किस स्तर के बालकों के लिए, क्योंकि सभी क्रिया सभी स्तर के बालकों के लिए आयोजित नहीं की जा सकती हैं। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो मरीज की जो शारीरिक जो योग्यता है उसको देखकर, या वो कौन सी दवाई को आसानी से जो है पचा सकता है, बहुत सारी बातें देखकर उसके बाद ही दवाई देता है। इसी तरह मैंने बात की है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो ये क्रियाएं आयोजित करते हुए अध्यापक को देखना पड़ेगा, उसके कौशल पर ये निर्भर करता है। अब जो है वाचन कौशल का क्या अर्थ है, सीसी फ्राइज के अनुसार वाचन ही भाषा है, वाचन से ही भाषा को जीवन शक्ति पोषण और गतिशीलता मिलती है। श्रवण और वाचन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों पर ही पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। बालक पहले ध्वनि और संरचना को सुनकर ग्रहण करता है, पहचान करने का अभ्यास करता है और उसके बाद बालक अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। अब भाषा की जो ध्वनि है वो कैसे सिखाएं, इसको सिखाने के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे भाषा की ध्वनि सीखना, साथ ही बलाघात लय और उतार चढ़ाव सीखना, उचित सामाजिक परिस्थितियों में बालक को वाचन क्रम सिखाना ताकि उसकी सामाजिक ग्राह्यता बढ़ सके। अब हमने वाचन और श्रवण सिखाना है, खाली अगर हम वाचन की बात करें तो वाचन करते हुए ध्यान में रखना है कि बलाघात लय और उतार चढ़ाव को कैसे सिखाया जाए, क्योंकि जब हम लेखन में या पठन में बात कर रहे हैं तो हम पंक्चुएशन के जो चिन्ह हैं उनसे बात को स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमारी वाणी में बलाघात किस अक्षर पर किस शब्द पर जोर देना है, लय और उतार चढ़ाव। जैसे बलाघात का उदाहरण बोलने में मैं आपको दूं, जैसे अगर हम एक बात करते हैं कि मैं आज अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक घर पर भूल आया, तो अगर हमने हिंदी पर बल देना है कि बाकी पाठ्य पुस्तकें तो बालक लाया, वो कह रहे हैं मैं आज अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक घर भूल आया, हिंदी पर हमने जोर देना है। तो इस तरह जिस अक्षर पर हमने बलाघात करना है बोलते हुए, जिस पर प्रभाव डालना है उसको जोर से बोलना है। फिर लय, जब हम किसी बात को गा गा कर कविता के द्वारा हम बता रहे हैं तो बच्चों को जल्दी स्मरण हो जाता है। ऐसे ही उतार चढ़ाव, जैसे हम कक्षा में गए, हमने पूछा कि भाई सभी बच्चे आज अपना गृह कार्य करके लाए हैं, तो सभी बच्चों ने कहा हाँ जी श्रीमान जी, हाँ जी अध्यापक जी, तो हमारा एकदम मन खुश हो जाएगा और हम क्या कहेंगे, हमारी वाणी में उतार की बजाय चढ़ाव आएगा, शाबाश बच्चों मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। लेकिन अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने काम नहीं किया, तो हमारी वाणी में उतार आ जाएगा कि बच्चों मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो हमारी वाणी ने ये स्पष्ट कर दिया। तो सामाजिक परिस्थितियों में बालक को वाचन क्रम सिखाना
हमारा एक उद्देश्य है ताकि उसकी सामाजिक ग्राह्यता बढ़ सके, बालक की वाचन प्रवाहशीलता को बढ़ाना ताकि वह आराम से बातचीत कर सके। अब है वाचन में प्रवाहशीलता, यानी हम बहुत धीरे धीरे भी ना बोलें, प्रवाह हो। अब कुछ सहगामी क्रियाएं हैं कि हम पढ़ाने के साथ साथ कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। उनमें सर्वप्रथम है पुनः उत्पादन क्रियाएं। कौन सी हैं? अध्यापक एक ध्वनि, शब्द और वाक्य प्रस्तुत करे, इसके बाद बालकों को कहे कि ऐसी ही ध्वनि, शब्द और वाक्य प्रस्तुत करे। पहले समूह में करने को कहा जाएगा, बाद में बालकों से बारी बारी से व्यक्तिगत रूप से यही क्रिया करने को कहा जाएगा। समझिए, जैसे हमने कोई वाक्य बोला या कोई ध्वनि निकाली मुँह से, या कोई शब्द बोला, कोई हमने बात कही, कोई पद कहा, तो हम पहले तो उनको समूह में कहेंगे कि सारे बच्चे मिलकर बोलो, फिर हम बारी बारी से बालकों से व्यक्तिगत रूप से यही क्रिया करने को कहेंगे। अब 40 बच्चों से एक ही वाक्य हम नहीं बुलवा सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे? जब पहले समूह में बुलवा लिया तो हम फिर कहेंगे, अब बच्चों किस बालक को मैं कहूँ कि कौन इसको व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेगा? हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो बच्चे हाथ खड़ा कर लेंगे। उनमें से माना एक वाक्य हम पहले 5 बच्चों से बुलवा लेंगे। फिर जब हम दूसरा वाक्य या कोई दूसरी और क्रिया भी जो मैं बताने वाली हूँ, जब हम उसका उत्पादन करवाएंगे, फिर बच्चों से कहेंगे अब कौन करके दिखाएगा अलग से, बच्चे फिर हाथ खड़ा करेंगे। तो जिन 5 बच्चों को पहले बारी मिल चुकी है, उसके बजाय दूसरे बच्चों को अवसर दिया जाए। ध्यान रहे, अध्यापक कई बार क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ही कक्षा में हाथ खड़ा करते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा उनको, जब वो अध्यापक बार बार उन्हीं बच्चों से सुनता है जबकि बच्चे ने हाथ खुद नहीं खड़ा किया, तो बच्चे अध्यापक पर पक्षपात करने का आरोप लगा देते हैं कि आप उसी बच्चे से बार बार पूछते हैं। तो अध्यापक को कक्षा कक्ष में ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें जितना आसान लगता है पढ़ाना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी कक्षा में 35 से लेकर 40 तक की संख्या में बच्चे बैठे हैं। सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं, किसी की रुचि किस में है, कितनी की सीखने की गति कम है, किसी की ज़्यादा है। कोई कहता है एक बार पढ़ाओ क्योंकि उसको एक बार में समझ आ गया, कोई चाहता है 5 बार बताएं, कुछ बच्चे सामान्य से भी नीचे हैं क्योंकि हम इंक्लूसिव शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो सभी प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में बैठे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे 5 बार बताया जाए, तो इससे अध्यापक का जो कार्य है वो इतना आसान नहीं है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो कितनी बार उसको दोहराया जाए, ये अध्यापक को देखना है। ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक या ऐसा कोई शैक्षिकविद नहीं बता सकता। अध्यापक को उस परिस्थिति में स्वयं ही निर्धारित करना होगा कि कितनी बार किस पाठ का दोहराया जाए बच्चों से। दूसरी बात है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। अब तक हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि श्रवण और वाचन का क्या महत्व है, दोनों कैसे साथ साथ चलते हैं, दोनों का विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पहली क्रिया हमने आपसे बात की कि दोहराना, दूसरा है प्रश्न पूछना। अध्यापक सामान्य प्रश्न पूछेगा, बालक सुनेंगे, समझेंगे और उत्तर देंगे। इस प्रकार श्रवण और वाचन दोनों ही क्रियाएँ विकसित होंगी। उदाहरण के लिए पहला हमने प्रश्न बच्चे से किया, तुम्हारा नाम क्या है। अब बच्चे ने यह सुना, अगर उसको इन चारों शब्दों का अर्थ पता होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तभी वो कहेगा मेरा नाम प्रकाश है। तुम कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस तरह फिर हम किसी और बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। इस तरह हमने सामान्य बातें करती हैं, ऐसा नहीं है कि हमने मुश्किल या जटिल विषय पर बात करनी है कि लोकतांत्रिक देश पर, यानी इसकी बारे में आपके क्या विचार हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो दुविधा में पड़ जाएंगे। हमने सामान्य बातें करनी हैं कि अच्छा बताओ किसको कौन सा विषय अच्छा लगता है। तो हमने तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि बच्चे का जो श्रवण कौशल है वो भी विकसित है, वो उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे ये पहचान कौशल है, पहचान करने के बाद वो उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं और फिर वाचन के रूप में उस क्रिया का उत्पादन कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं।
हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न पूछने से बच्चों में श्रवण और वाचन की क्रियाएं विकसित होंगी। हाँ, अब ये अध्यापक को देखना है कि किस स्तर के बच्चे हैं जो हमारे प्रश्न हैं, वो धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ सकता है। तो एक अध्यापक को मेहनत बहुत करनी है और साथ ही जो अध्यापक भाषा पढ़ा रहा है उसको और भी मेहनत करनी है, उसको रोज़ नई क्रियाएं सोचनी है, क्योंकि जैसे नई क्रियाओं का आयोजन करेंगे कक्षा में तो बालकों के अंदर जिज्ञासा वृत्ति बनी रहेगी, वो उत्सुक रहेंगे कि आज अध्यापक कौन कौन सी क्रियाएं करवाएंगे, कैसे करेंगे। तो हमें नए नए तरीके, नए नए क्रियाएं सोचनी हैं, तो हमें पहले दिन जो है दोबारा से उस पाठ की तैयारी करनी है, पढ़ कर जाना है, ऐसे नहीं जाना है कि बिना तैयारी के चले गए और फिर हम सोचें कि वहाँ कौन सी क्रियाएं करें, पहले से ही हमारी क्रियाएं हमारे पास तैयार हों ताकि हमारा एक भी जो क्षण है वो बेकार ना हो, व्यर्थ में ना जाए और बच्चों का जो रुचि है वो बनी रहे। अब एक और क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया है भूमिका निर्वहन, जिसको हम रोल प्ले कहते हैं। अध्यापक बालकों को अलग अलग भूमिका करने को कहेगा, जैसे बच्चों को कहेगा कि भाई किसी ना किसी ने डॉक्टर के पास हम गए होंगे कभी बीमारी होने पर, तो डॉक्टर की और आपके बीच में क्या वार्तालाप हुई, डॉक्टर की नकल कीजिए, अध्यापक की कीजिए, किसी व्यापारी की, सैनिक की या जज की, आपने किसी फिल्मों में जज को देखा होगा तो जज कैसे बोलता है, तो बच्चे रोल प्ले करेंगे। इससे बालक अपनी मनपसंद भूमिका चुनेंगे और उनके वाचन का अभ्यास होगा साधारण तरीके से। फिर एक क्रिया करके, अध्यापक कुछ क्रिया करके बोलता है, बालक अध्यापक को देखकर वैसा ही करने का प्रयत्न करे। इससे बालकों में श्रवण और वाचन दोनों ही क्रियाएं विकसित होंगी और रुचि बनी रहेगी तथा भी कक्षा में सक्रिय रहेंगे। देखिए, कक्षा में अध्यापक और बालक दोनों को ही सक्रिय रहना है ताकि रुचि बनी रहे, बच्चों का पढ़ने का मनोबल और प्रोत्साहन बना रहे, उत्साह बना रहे। तो अध्यापक में भी उतना ही मनोबल और उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम बालकों से वही उनके अनुसरण की जो है आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो हम उनको दे रहे हैं वो वैसा ही उत्पादन कर रहे हैं। कोई फिल्म या चार्ट दिखाकर बालकों को फिल्म या चार्ट के द्वारा कुछ कहानी इत्यादि या चित्र दिखाए जाते हैं और तब बालकों को कहा जाता है आप जो देख रहे हैं उन पर संबंधित कुछ वाक्य बोलें। इससे बच्चे खेल खेल में वाचन की क्रिया का अभ्यास करना सीख जाएंगे। कहानी की रूपरेखा, अध्यापक किसी कहानी की एक रूपरेखा सुनाएगा और विद्यार्थियों को कहेगा कि सोचो और अपने हिसाब से वाक्य बोलकर कहानी पूरी करो। इस क्रिया से पूरी जो कक्षा है उसको सुनने और बोलने का अवसर मिलता है और दोनों ही क्रियाओं का विकास होता है। अब मौखिक रचना के द्वारा, इसमें कोई भी विषय चुनकर विद्यार्थियों को कहा जाता है इस पर कुछ बोलें। जब अध्यापक को लगता है कि बालकों को निर्देशन की आवश्यकता है तो उन्हें उचित निर्देशन भी दिया जाता है और यह क्रिया श्रवण और वाचन के विकास में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। कुछ अन्य क्रियाएं जैसे मित्रों, बड़ों व आगंतुकों का अभिनंदन करना, स्वयं का परिचय देना, दूरभाष पर बात करना और उनका उत्तर देना, सूचना देना, दुकान या रेस्टोरेंट में चीज़ों के बारे में पूछना, स्पष्टीकरण, उपदेश या सहायता के लिए प्रश्न पूछना, ये छोटी छोटी सहगामी क्रियाएं हैं जिससे जब बच्चे सुनेंगे, पहचानेंगे, जवाब देंगे, उत्तर देंगे तो इस तरह से उनकी सुनने और बोलने की क्षमता का विकास होगा। कुछ अन्य क्रियाएं जैसे किसी प्रोग्राम, नाटक, पुस्तक या फिल्म के द्वारा अपने विचार या प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना, चर्चा एवं वाद विवाद में भाग लेना, वस्तु, व्यक्ति या स्थानों का उल्लेख करना, किसी किस्से कहानी में भाग लेना, किसी घटना की रिपोर्ट देना। श्रवण और वाचन के विकास हेतु अध्यापक की भूमिका कुछ और भी रहेगी। इस प्रकार से सस्वर वाचन छोटे बच्चों के लिए तो अच्छा रहता है पर इससे कल्पना शक्ति का विकास रुक जाता है। अध्यापक ध्यान रखे कि यह क्रिया उद्देश्यहीन ना बने। अध्यापक बालकों के पढ़ने की गति का भी उनके स्तर के अनुसार ध्यान रखें।
फिर है प्रशिक्षण के कुछ और प्रकार हैं, जैसे दोहराना। अध्यापक एक अक्षर, शब्द या वाक्य बोलता है, बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं, ये एक मेज है, ये सुंदर पुष्प है, ये तुम्हारी पाठ्य पुस्तक नहीं है। प्रतिस्थापन दोहराना, जैसे शब्द बदलना, सीता अच्छा गाना गाती है, तो फिर अध्यापक कहेगा अगर शीला लगेगा तो बच्चे कहेंगे शीला अच्छा गाना गाती है। अध्यापक इसी तरह से शब्दों को बदल देगा, कभी गीता शब्द दिया खाली स्थान तो बच्चे जो हैं उसमें खाली स्थान भरते रहेंगे, लता मेरी सहेली है, लता मेरी बहन है। ड्रिल का बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको प्रश्नवाचक बनाना या नकारात्मक बनाना, मोहन गाना गा रहा है, मोहन गाना नहीं गा रहा है। ड्रिल पूरी कर सकते हैं, अध्यापक ने कहा वह मुंबई जा रहा है, बच्चों ने कहा वह मुंबई जा रहा है, फिर खाली मैं अमेरिका या मैं कनाडा कहकर छोड़ दिया तो बच्चे कहेंगे मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वह कनाडा जा रहा है। इस तरह कुछ अंत में सुझाव भी हैं, इमला एवं सुलेख भी लाभकारी है। अध्यापक देखे कि कार्य साधारण हो, अध्यापक भी पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाए, अध्यापक को भी भाषा का अभ्यास हो, बालकों को परिणाम की जानकारी देते रहें, कक्षा में परस्पर संवाद बना रहे, बालकों की रुचि का स्तर बना रहना चाहिए, अध्यापक देखे कि निर्माण जो है ग्रुप का वो बिल्कुल सही हो। तो इन सारे बातों और चर्चा के बाद मैं समझती हूँ कि आप सबको इसकी जानकारी मिल गई होगी कि श्रवण और वाचन विकसित करने के लिए पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं हैं उन कौन सी क्रियाओं का किस स्तर पर आयोजन हो, इसमें अध्यापक की क्या भूमिका हो और बच्चों के स्तर का कैसे ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।